झारखंड में भले ही जनता की मुराद पूरी नहीं होती, पर जनता अपने प्रतिनिधियों से खफा रहकर कोसते रहते हैं, लेकिन झारखंड में एक मंत्री का ऐसा दरबार है जहां प्रतिदिन लोगों का मेला लगता है और ऑन स्पॉट लोगों की समस्या भी हल होती है। लोग खुशी से जयकारे लगाते हुए घर से निकलते हैं। हम बात कर रहे हैं देवघर जिले के सारठ विधानसभा के सहरजोरी गांव। लोगों का यह लगा हुआ हुजूम कोई मेला नहीं बल्कि भाजपा के कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह का आवास है, जहां लोग जनता दरबार में अपनी समस्या को लेकर फरियाद करने मंत्री रणधीर सिंह के यहां पहुंचे हैं। इसमें पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कृषि के अलावे लोग निजी समस्याओं के निवारण के लिए मंत्री के जनता दरबार में पहुँचे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोगों का पहुँचना यही विश्वास दिलाता है कि मंत्री के प्रति काफ़ी है, जो मानते हैं कि मंत्री के पास मामला पहुंचते ही मामला सुलझ जाएगा। यहां सिर्फ सारठ विधानसभा ही नहीं बल्कि जामताड़ा, देवघर और उसके आसपास के जिलों के लोग भी मंत्री के दरबार में फरियाद लेकर अपनी समस्याओं के हल के लिए पहुंचे हुए हैं। दरबार में हार्ट बीमारी से पीड़ित अपनी पुत्री को लेकर पहुँचे एक फरियादी ने मंत्री से इलाज के लिए फरियाद की तो इतने पैसे हम गरीबों के पास कहाँ आएगा, यह बात बताई। मंत्री ने फरियादी की बात को गंभीरता से लेते हुए उसे तत्काल अस्पताल भिजवाकर इलाज करने के लिए अपने लोगों को कहा। वहीं जनता दरबार में सुनील जैसे दो फरियादी विकलांगों को पेंशन के लिए तत्काल चिकित्सकों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की बात कहकर जल्द पेंशन की प्रक्रिया चालू करने का आश्वासन भी दिया। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मंत्री के सहयोग मांगी। वहीं कई गांव के लोगों ने सड़क की मांग की। मंत्री ने अपने विधायक मत से सड़क देने के लिए DDC को लिखा, जबकि ग्रामीणों की मांग पर एक विद्यालय में महीनों गायब रहने वाले एक शिक्षक की शिकायत करने पर मंत्री ने अविलंब जिला शिक्षा पदाधिकारी को उस शिक्षक को स्थानांतरण करने का निर्देश भी जारी करवा दिया। इधर मंत्री ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए SHG ग्रुप बनाकर लोन के महिलाओं को ग्रुप को देकर अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की गुजारिश की। बात आपको बताते चलें कि भीड़ में एक किनारे पर वृद्धा पेंशन की स्वीकृति की आस में बैठी एक लाचार असहाय वृद्ध महिला को देख उसके पास पहुंची और उनके जल्द ही से ही समस्या को निपटारा करने का भरोसा देकर उसके दिल को जीत लिया। इधर मंत्री रणधीर सिंह का मानना है कि हम जनता के सेवक हैं और जनता के बदौलत ही हम आज मंत्री हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना। हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में जो हालात बने थे, हमने भाजपा के रघुवर सरकार के बदौलत उसे सुधारने का प्रयास अपने क्षेत्र के साथ राज्य के जनता के लिए किया, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र। गुड्डा, दुमका, देवघर सहित कई प्रमंडलों में नए एग्रीकल्चर और डेयरी इंजीनियरिंग को शुरू करवाया। कई कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हुई। सिंचाई के लिए तालाब, डोभा आदि जैसे योजनाओं को चलाकर कृषि के साथ मत्स्य पालन योजना में लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। हालांकि जनता के साथ 18 घंटे तक काम करने वाले मंत्री को मलाल है कि अपने परिवार को वक्त कम दे पाते हैं, लेकिन कहते हैं कि राज्य की जनता, खासकर हमारा विधानसभा हमारा परिवार है, उसकी खुशी ही हमारी खुशी है, जो हमारा लक्ष्य है। ऐसे में हमारा परिवार भी काफ़ी खुश है। तुम्हारा नवाड़ी का टिंबू कहाँ गया? बैठिंग सर, उसको 5 बजे कराइए, ऐसा कराइए 5 बजे, ठीक है? बीच में रोक देगा, बीच में रोकवा के 5 बजे टाइम कीजिएगा। मोबाइल से नहीं, क्या रोकूँ पर वहाँ गाँव में, क्या रोकूँ पर दिखलांग बच्चा कितना पसंद कर दिया, तू जाओ उसको फिर से बनवाएंगे। बहरहाल देवघर जिले का सारठ विधानसभा क्षेत्र जनप्रतिनिधियों के लिए सबक की तरह है, जो जनता को किस तरह विश्वास में लेकर उसके दिल को जीत रही है, यह देखने वाली बात है। मेरे यहाँ मेरे विधानसभा के अलावे कई विधानसभा से हर संडे को जनता दरबार में जनता आती है। उनकी एक ही समस्या, जो समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उनसे भी मैं डायरेक्ट मिलता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ और तरह तरह की समस्याएं लोग लेके आते हैं। राशन की समस्या, प्रधानमंत्री आवास की समस्या, गैस की समस्या, शौचालय की समस्या के अलावे गांव में कहीं तरह के विवाद हो गए हों या कोई विकास की समस्या, कहीं रोड बनवानी हो, कहीं पुल बनवानी हो, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सही कोई बीमार हो गया है, कोई लाचार है, असहाय है, उसको हर तरह की मदद, यहाँ से उनको इलाज का सारी समुचित व्यवस्था करवाना,
आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, सीएस के यहाँ माध्यम से हो, फिर मंत्री विवेकाधीन कोटा से उनको हम लोग चेक के माध्यम से पेमेंट देते हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद, हर तरफ से मदद दिलवाकर और गरीब असहाय को मदद देना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। उसी मिशन पर मैं काम कर रहा हूँ, जिससे छत्तीस लोगों की आस्था बनी हुई है और जनता आज तादाद में जनता तादाद में आती है और लोग सर्टिफाई होकर यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। एक समस्या लेकर आए हैं हम लोग, गांव का और सारा आदमी आया हुआ है, गांव का आया हुआ है कि समस्या लेके मंत्री जी के यहाँ। मंत्री जी फिर संडे को जनता दरबार लगाते हैं मंत्री जी यहाँ पे खुद, और जितना भी सारे विधानसभा का आदमी लोग कार्यकर्ता जो भी आते हैं उनका समस्या रूबरू होता है, एक एक सबसे मिलते हैं और उनका रूबरू करके उसका समस्या हल करते हैं। यहाँ पे किसी तरह का भी समस्या लेके आते हैं, छोटा हो बड़ा हो, किसी तरह का भी समस्या हो, या कोई बीमार हो, किसी का थाना वाना में केस मुकदमा हो, मंत्री के पास आता है, उसको ऑन द स्पॉट फैसला यहीं पे हो जाता है, ताकि ग्राम जनता को कहीं तकलीफ ना हो पाए। जनता यहाँ पे जब भी आता है खुश होके ही जाता है मंत्री के पास।